एक बार पूजा को कॉल कर लेती हूँ कि निकली या नहीं। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द ही आपका कॉल उठाएंगे। कृपया लाइन पर बने रहिए। नाइस परफॉर्मिंग, योर कॉल विल बी आंसर्ड शॉर्टली। प्लीज बी ऑन द लाइन। शायद घर से निकल चुकी है। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है? पूजा को ढूंढो, वहीं कहीं होगी। अगर पूजा नहीं मिली ना तो सोचना कि मैं तुम लोगों का क्या हाल करूंगा। जल्दी से पता करके बताना अच्छे से। उसके माँ बाप के पुलिस स्टेशन आने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि उसका अपहरण किसने किया है। अरे ओ, जरा उस चिरकुट नमन को तो लेके आना। पता तो चलना चाहिए कि कहां पहुंची है। कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने जिनको कॉल किया है वो जल्द। यार ये पूजा पागल हो गई है क्या? फोन क्यों नहीं उठा रही है? जब तक फोन नहीं उठाएगी मैं भी घर से नहीं निकलूंगी। आदर होगा जी, बताइए। तू बता रहा था कोई लड़की गायब होने वाली है। हो गई क्या? लगता है खबर आ गई। साले चिरकुट। अबे दरोगी साला, ये वर्दी का नाजायज फायदा मत उठाओ। अभी बदन पे सरकारी वर्दी ना होती ना तो तुम्हारी यही औकात दिखा देते। नमन शुक्ला नाम है हमारा। एक दिन साला तुमको ही अपनी सुरक्षा में लगाऊंगा, तुमको ही। अब फोन स्विच ऑफ करने की क्या जरूरत थी? ये पूजा भी ना एकदम बेवकूफ लड़की है यार, मुझे रेडी करवा के खुद गायब है। कोई नहीं, बेचारी धानी वेट करी होगी, मैं अकेले चली जाती हूँ। नहीं जाऊंगी तो बेचारी बहुत दुखी होगी। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है उन्होंने अपनी कॉल दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड की हुई है। कॉल मिलने तक कृपया लाइन पर बने रहें। The person not calling has forwarded the call to another number. Please stay online while call gets connected. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। अब ये धानी कहाँ मर गई? कहीं ऐसा तो नहीं पूजा को उसने सब सच सच बता दिया हो? साले हमसे ज्यादा होशियार बनेगा। तेरे जैसे ये ख्वाब देखने वाले 36 मिलते हैं दिन में हमको। मेरे सामने होशियारी मत करना। ये डंडा देखा है ना साले, डालूंगा कहीं से, निकलेगा कहीं से, समझा?
ये कौन सा एड्रेस दिया है धानी ने? इधर तो मिल ही नहीं रहा। धानी को फोन करती हूँ कि मैं टंकी के पास हूँ, मुझे लेने आ जाए। अरे यार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? पहले पूजा ने फोन नहीं उठाया और अब धानी को। अरे मिश्रा जी, चाय भेजिएगा दो। अरे चाय रखो अपनी। काम क्या है वो बताओ। ये बता, ये लड़की का किसने अपहरण किया है? चंगेज और दद्दा और ये लंकेश, इन्हीं तीनों में से कोई हाथ साफ कर सकता है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। आज तुमने नमक का हक अदा कर दिया। लंकेश इस बोरे में पूजा को भर के किडनैप कर रहा था और तुमने बोरा ही गायब कर दिया और मेरे पास ले आए। शाबाश, आज से आलमबाग की सारी वसूली तुम करोगे। कृपा बनाए रखिए। खुश रहो, खुश रहो। मेरी पूजा का इस बोरे में दम घुट रहा होगा, जल्दी से खोलो। मेरी पूजा को और मत तड़पाओ। बहुत दिनों के बाद आज पूजा से मुलाकात होगी, जल्दी से खोलो बोरा आज। एक्सक्यूज मी जी, बताइए ये एड्रेस कहाँ है, बताएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। अब किससे पता करूं यार, कहाँ है उसका घर? ऐसे टाइम पे कौन फोन स्विच ऑफ करता है? पूजा को कॉल करती हूँ फिर से। सुनो, तुम धानी के पास जाओ और धानी को उठा लाओ और बिल्ला से कहो कि वो पूजा के घर जाए और पता करे कि पूजा निकली कि नहीं निकली। वैसे बहुत सारे लोग लगे हैं उसके पीछे, असली खबर तो लंकेश ही दे सकता है इस बारे में। लंकेश कहाँ मिलेगा ये लंकेश? नहीं, मेरी बातचीत तो हुई नहीं उससे बहुत दिनों से। अगर कोई खबर आती है तो मैं पहुंचा दूंगा। Excuse me? जी बहन जी। आप बता सकते हैं कि ये लड़की कहाँ रहती है? वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, आज उसका बर्थडे है, सावली सी। अरे ये तो वहाँ रहती है, उस घर में। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। थैंक यू सो मच। यार ये कौन है ये पूजा? अरे अब तो हमारा भी मन कर रहा है इसे देखने का। पूजा जल्दी से खोलो बोरा, आज खेलना है मुझे पूजा से। खोलो।
हाँ दादा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको खुशखबरी देता हूँ। बस बस दादा, हाँ हाँ हाँ, क्या जवाब दूंगा दादा को? कौन? दरवाजा खुला है, आ जाइए। नमस्ते, सही क्या काम? जी वो धानी का बर्थडे है, उसने मुझे बुलाया था। धानी? वो तो आज ही सुबह चली गई सारा सामान लेके, वो यहाँ किराए पे रहती थी। जी हाँ, वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, आज उसका बर्थडे है। बर्थडे? उसका तो आज बर्थडे नहीं है। माया, तुझे इतने दिन से समझा रहा हूँ, तेरे समझ में नहीं आ रहा है ना? अगर आप इस बोरे में हो तो पूजा कहाँ है? हे भगवान, पूजा अगर नहीं मिली ना तो दद्दू मुझे जान से मार देंगे। पूजा कहाँ गई होगी? बता कहाँ है पूजा, किसमें किसका हाथ है बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। भाग ले जहां तक भागना है, क्योंकि तुझको मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता है। और जिसने मेरी पूजा को किडनैप किया है ना, अगर उसको कुछ भी हो गया, खरोच तक आ गई, तो मैं पूरे शहर को शमशान बना दूंगा। बिन्नी। हेलो मनीष, कहाँ हो तुम? अरे तू कहाँ है, सुबह से मैं और धर्म फोन लगा रहे तेरे को। मनीष मनीष, मैं वो धानी है ना, उसके बर्थडे पर मैं... क्या हुआ बिन्नी? बिन्नी तू बता कहाँ है, हम आ रहे हैं अभी। नहीं नहीं, तुम लोग मत आओ, मैंने बस ये बताने के लिए फोन किया था कि पूजा और मैं धानी के बर्थडे पर आने वाले थे। पूजा नहीं आई तो मैं अकेले आ गई। पूजा ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है तो मैं अकेले आई। अब यहाँ आकर पता चला कि धानी का बर्थडे ही नहीं है, और वो कल यहाँ से कहीं और चली गई। अब उसका भी फोन नहीं लगा, स्विच ऑफ आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिन्नी जितना जल्दी हो सके तू उधर से निकल और तुरंत घर पहुंच कर कॉल कर, सब बहुत गड़बड़ हो रही है यार। वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका, नमन, उसने धर्म पे जानलेवा हमला किया था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैं सही टाइम पर पहुंच गया। बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो, पक्का मैं बता रहा हूं, हम लोगों के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वो छोड़, तू अभी घर पहुंच, उसके बाद बात करते हैं। ओके। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके पहलवान मैदान में मिलो, बहुत ज़रूरी काम है। आज हमको अपने सारे बंदे चाहिए, ठीक है? तो अपने जितने भी लौंडे हैं सबको फटाफट बुलाओ, आज बहुत ज़रूरी काम है, और सबको लेके पहलवान मैदान में पहुँचो, ठीक है? आज हमको तुम लोगों की सबकी ज़रूरत है। तुम्हारी पूजा भाभी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पूजा मेरे पास है।
सबकी आंखों में धूल झोंक के मैं पूजा को ले आया हूं। पूजा मेरी गिरफ्त में है। हाँ, डील तो हुई थी, अब 50 लाख चाहिए मुझे। हाँ मिन्नी, बोलो। हाँ मनीष, मैं घर पहुंच गई हूँ। थैंक गॉड तू सही सलामत पहुंच गई। मैं बस पूजा के घर ही जा रहा हूँ। हाँ रास्ते में हूँ। ठीक है, पहुंचकर कॉल करता हूँ। तब तक तुम एक काम करो, तुम पूजा के घर में उसके मम्मी को कॉल करके पूछो कि पूजा घर से निकली थी कि नहीं। लेकिन बेटा पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। वो अगर जाती भी थी तो मुझे बता के जाती थी और उसका फोन ऑन रहता था। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हें जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिले तुम मुझे तुरंत बताना। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे फोन का वेट कर रही हूँ। ठीक है। तुम्हारी भाभी का किडनैप हो गया है और तुम लोग अपने जितने भी पिल्ले हैं पूरे शहर में फैला दो और पता करो कि कल की डेट में जितनी भी किडनैपिंग हुई है उसमें पूजा तो नहीं है। और ये भी पता करो कि पूजा को किडनैप करने में किसका हाथ है। मुझे 24 घंटे के अंदर रिजल्ट चाहिए। जिस किसी ने भी मेरी पूजा को हाथ लगाया है ना, मैं उसका हाथ शरीर से उखाड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, अब मैं जो बोलूंगा वो डील होगी। आहा, बड़ी मुश्किल से पूजा हाथ लगी है। मुझे पता है पूरा शहर पूजा को ढूंढ रहा है, पर पूजा मेरे कब्जे में है। मैं चाहूं तो उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। और ये नमन कहां रह गया? ये लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उसी लंकेश का फोन है। हाँ भाई। कहां हो? अरे कुछ नहीं, ये दरोगा जी थाने ले आए हमको। क्यों, क्या हुआ? अरे वो उसको बिन्नी के दोस्त को साले को पेल दिया था ना। हाँ उसी चक्कर में बच गया साला वो तो। नहीं अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अच्छा कौन दो जरा दरोगा के बच्चे को? लीजिए बात करेगा आपसे। क्या रे लंकेश? हाँ दरोगा जी। बड़ा नाम सुना है तेरा। अरे काहे लेके गए हैं उसको? अरे जरा आके शक्ल तो दिखा जा अपनी। सुना है पूजा को अगवा करने में तेरा ही हाथ है। ए दरोगा जरा जबान संभाल के बात कर, होश में आके जानता है किससे बात कर रहा है।
चुपचाप यहाँ आ और अपने इस पंटर को यहाँ से लेके जा। लगता है अभी नया आया है थाने में, जरा दूसरे लोगों से पता कर ले मेरे बारे में, सब समझ में आ जाएगा। अगर सामने आ गया ना तो तेरा ट्रांसफर ही है, समझ। अबे सुन, जब तक ये खाकी वर्दी है मेरे शरीर पे, तू मेरा घंटा उखाड़ सकता। तू जितनी देर मुझसे बात कर रहा है ना, उतनी देर में तेरी सारी जन्म कुंडली मेरे पास आ गई है। सुना है भाभी जी अभी बिटिया को लेकर सब्जी लेने जा रही हैं। काली ड्रेस में बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं। मैं अब क्या करूं? राजीव को कॉल करती हूं। हेलो। हाँ हेलो। हाँ गरिमा। हाँ कहाँ हैं आप? अरे पूजा बोल के गई थी बिन्नी के घर जा रही है और उसको फोन लगा रही हूँ तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप जल्दी आइए ना घर। पूजा नहीं आई? अपनी फ्रेंड के साथ गई होगी, उसी को कॉल कर लो। कहाँ गई होगी? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लाडू के साथ सब्जी लेने जा रही हूँ। कौन सा ड्रेस पहन रखा है? हाँ मैंने काली ड्रेस पहन रखी है। सुन, अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ और मेरे बारे में पता कर लेना, जल्दी मिलूंगा मैं तुझसे। अरे आप आ गए? क्या हुआ, क्या दिक्कत है? कहाँ गई पूजा? कहीं ट्राई किया? हर जगह फोन कर लिया। ऐसे कैसे फोन स्विच ऑफ हो गया उसका? पता नहीं, प्लीज आप पता करिए ना। भाई मैंने कल आलमबाग, चारबाग, कैसरबाग सब जगह पता कर लिया है। कल परसों में वहां से कोई लड़की नहीं उठाई गई, लखनऊ में ही रखा गया है। हेलो बिन्नी। हाँ मनीष। यार मैं पूजा के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ, उसके माँ बाप बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। और मैंने सुना है कोई दद्दा नाम का आदमी है जो इसके 1 करोड़ तक दे सकता है। कुछ ना कुछ तो बहुत खास है इस लड़की में कि पूरा शहर इसका दीवाना बना घूम रहा है। सोच रहा हूँ इसकी बोली लगवा दूँ, जो दीवाना ज्यादा पैसे देगा पूजा उसकी। अब देखो मैं तो ठहरा बिजनेसमैन, जो ज्यादा बोली लगाएगा माल उसका। मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। अब वो तुम दो या कोई और दीवाना, आई डोंट केयर। सही कह रहे हैं भाई, ये काम चंगेजी का है, हमें कैसे भी चंगेज ही को पकड़ना है। बस चंगेज का पता लगाइए, चंगेज की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। आप बोलो तो आग लगवा दूं पुलिस चौकी में, सारी दुकानें बंद करवा दूं। भाई आप बोलो तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगवा देंगे, एक भी आदमी नहीं निकलेगा जब तक भाभी नहीं मिलेंगी। इस लखनऊ के सारे काम ठप करवा दें जब तक कि भाभी नहीं मिलेंगी, आप एक बार बोलिए तो। बिल्कुल मत भूलना, इस चंगेज ने आपको बोरे में बंद कर दिया था। यार बिन्नी
मुझे तो लग रहा है सचमुच में पूजा के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। हाँ, माहौल देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि जैसे किसी ने पूजा को किडनैप कर लिया है। क्या? और मैं 100% कंफर्म हूँ कि इन सब के पीछे वो तेरा बॉयफ्रेंड है, वही पूजा के पीछे पड़ा हुआ था। आप बस चंगेज को ढूंढिए और साले के हाथ ही काट डालिए। छोड़ना नहीं भाई, अगर वो छूट गया तो समझ लो भाई हमारे हाथ से शहर छूट गया। तुम इधर ही रुको, मैं आ रहा हूं। चलो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने जाने की। सबके सब बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। माँ उसकी रो रही है। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं चल ठीक है, मैं तेरे को बराबर इन्फॉर्म करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है यहाँ पे।
चल मैं फोन रख रहा हूँ। चल बाय बाय। बला की खूबसूरत हो, ऐसे ही पूरा शहर तुम्हारा दीवाना नहीं। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो मेरा भी दीवानापन जाग रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी पूजा था, बहुत खूबसूरत थी वो। तुम्हारी जैसी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरती थी जैसे खा जाएगी। प्यार बहुत करती थी मुझे, मैं भी उसे बहुत चाहता था, लेकिन क्या है ना, मैं उसे कभी जी भर के प्यार नहीं कर पाया। उसके माँ बाप ने मुझे बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। वो साले दिखाई नहीं देता, अभी एक मिनट में साले सारी अमीरी तेरी ठीक कर दूंगा, अभी एक मिनट में गर्मी सारी ठीक कर दूंगा तेरी। समझ रहा क्या, अंधा हो गया क्या तू? तू दिखाई नहीं देता, गाड़ी में चल रहा तो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर समझ रहा। बाहर आ, क्या रहा है बाहर आ तो बताऊं तुझको, अभी निकल बाहर निकल, एक मिनट में गर्मी सारी ठीक कर दूंगा तेरी। भगवान, ये प्यार व्यार के चक्कर में कहां लाइफ बर्बाद कर ली मैंने, पता नहीं किस हाल में होगी पूजा। मुझे मिलने तक नहीं दिया उसने, मगर उसका बुड्ढा बाप और उसका परिवार हमारे प्यार के बीच में दीवार बन के खड़ा हो गया। उसने मेरी पूजा की शादी कहीं और तय कर दी। उसके बाद मैंने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। हाँ जी, कौन? हाँ, आशियाना पुलिस थाना। जी हाँ, आशियाना थाना। हाँ देखिए, मैं आशियाना से बोल रहा हूँ, मुझे कंप्लेन लिखानी है। मेरी बेटी सुबह से गई हुई है, अभी तक नहीं आई है।
अरे सुबह से गई है, कहीं घूमने फिरने गई होगी भाई, घूम फिर के आ जाएगी। पूजा नाम है उसका। हाँ उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। दोस्त आ रहे हैं, कहीं उनके साथ घूमने फिरने गई होगी, पार्टी मना रही होगी। थोड़ा इंतजार करिए, वेट करिए, आ जाएगी। मैंने उसकी सारी फ्रेंड्स को फोन किया। अरे भाई आप लोग खामा खा परेशान होते हैं और साथ में हमें भी परेशान करते हैं। बच्चे हैं आजकल के, कहीं घूमने फिरने गए होंगे। हाँ किसी को कुछ पता नहीं, सब कह रहे हैं मेरे को नहीं मालूम है। अरे भाई बच्ची है, कहीं घूमने फिरने गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लोग खामा खा परेशान होते हैं और हमें भी परेशान कर, वैसे ही इतनी परेशानियां कम है क्या? जी आंटी। हाँ हाँ बिन्नी बेटा, तुम मेरे घर पर आ जाओ बेटा प्लीज। ठीक है आंटी, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। और अपने सारे फ्रेंड्स को भी लेके आ जाना। जी आंटी, मैं सभी फ्रेंड्स को बोल देती हूँ आपके घर पहुंचने के लिए। आप परेशान मत होइएगा, पूजा को कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। तुम एक काम करना, सारे दोस्तों को लेकर जरूर आना। साला एक तो रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है, ऊपर से चिल्ला रहा है, बदतमीजी कर रहा है। मुझ पे हाथ उठाता है, अभी पेट्रोल डाल के जला देता हूँ तुझको साले। मुझे पता है शहर में तुम्हारी खूबसूरती के बहुत दुश्मन हैं, मगर मैं तो तुम्हारी खूबसूरती का दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, बस एक बार तुम सच्चे दिल से मेरा साथ देने के लिए राजी हो जाओ, फिर हम और तुम निकल चलेंगे। और कोई भी हमारे बीच में आया, खल्लास। चंगेज आखिर फंस गया ना तू मेरे जाल में। पहले तो मैं किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए करता था, लेकिन फिर मुझे तुम मिल गई और मुझे तुमसे प्यार हो गया, और मैंने ऐसा खेल खेला है जिसमें चंगेज और लंकेश दोनों का पत्ता साफ होने वाला है। मैंने चंगेज की इंफॉर्मेशन लंकेश को दे दी। चंगेज तुम्हारे इलाके में पहुंचने वाला है, और अगर तुम्हें पूजा चाहिए तो तुम आज ही चंगेज का काम तमाम कर दो, समझ गए? मैं कौन बोल रहा हूं इसकी परवाह मत करो, बस तुम अपने काम से काम रखो। लंकेश चंगेज को ठोकेगा और पुलिस लंकेश को उठा ले जाएगी। तुम्हें पता है मैंने पुलिस को पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी है कि आज लंकेश चंगेज को ठोकने वाला है।
मुझे पता है कि पूजा को गायब करवाने में तेरा हाथ है। बता मेरी पूजा कहाँ है, बताओ, वरना आज मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तुम्हें कोई भी परेशान करे, बस एक बार मुझे उसका नाम बता देना, अगले दिन का सूरज वो नहीं देख पाएगा, समझी? मगर हाँ, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। मैं एक बार पहले भी धोखा खा चुका हूं और उसका अंजाम तो तुम जानती ही। चलो अब पढ़ाई रहेगा क्या? हाँ हाँ, हेलो हेलो पूजा, कहाँ हो तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सब लोग कितना परेशान है पता है तुमको? पूजा, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? पति जी है वो मेरी। हाँ रुको एक मिनट, ये बकरी पुल कहाँ पड़ेगा? वो उधर से चलना पड़ेगा, इधर ही पास में है। हाँ ठीक है, चलो फटाक गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, फट से जल्दी जल्दी बैठो 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 जल्दी बैठो। हाँ बैठो बैठो, बात करो बात करो जल्दी। मेरी भतीजी गायब है कल से, पता नहीं कहाँ होगी, उसे ढूंढना है। तो मुझे पकड़ी पुल बता दो बस, और कुछ नहीं। तुम्हें पता, तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना ये चंगेज है, ऐसा उसने मुझे खुद बताया। मुबारक हो, जेल से छूट के आ गए हो। काम बोलो। एक लड़कियां किडनैप करवाना है। पैसा कितना मिलेगा? पैसा तुम जो बोलो। 20 लाख। 20 लाख लगेंगे कम से कम। दिए, मगर एक शर्त है, उस लड़की को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। उस लड़की सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, लड़की तुम्हें मिल जाएगी। फोटो दिखाओ। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दो, काम हो जाएगा। तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे ही इसका गेम बचाना पड़ेगा, और मैंने सारी कोटियां सेट कर दी। अब लंकेश आज चंगेज का गेम बचा देगा। अगर जिंदगी चाहिए तो पूजा का पता बता दे। पता मेरी पूजा कहाँ है? इधर चंगेज मरा, उधर लंकेश जेल गया। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, आज लंकेश चंगेज को पेलने वाला है। उसकी लोकेशन है चारबाग, लंकेश का डेन। और आज आप लंकेश को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बहुत दिन से आपको तलाश थी ना, आपको लंकेश रंगे हाथों मिल जाएगा। और पूजा के सबसे बड़े दीवाने का खिताब अब मेरे पास है। मैं ही हूं तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना। पूजा सिर्फ मेरी है। अब तुम्हारा सबसे बड़ा दीवाना सिर्फ मैं हूं, मैं। आई लव यू पूजा, आई लव यू।